नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फूड विद विनोद में दोस्तों आज मैं आपके लिए मशरूम और चिकन से बनने वाला एक बेहतरीन और क्रंची स्नैक्स लेके आया हूँ जिसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स दोस्तों लगने वाले हैं और आप इसे इजीली बना सकते हैं तो दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट सबसे पहले हम लेंगे मशरूम मशरूम हमने ब्लान से कर लिए हैं ये बटन मशरूम है और इनको हमने प्लान से कर लिया है और इनके इस्टैम से हमने निकाल लिए हैं ये देखिए स्टैम्प से निकाल लिए हैं यानी कि हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे इसके लिए हमने चिकन माइंस ग्रीन चिली और चॉप गार्लिक और हरा धनिया लिया है ये देखिए एक पैन लेंगे और इसमें एक टीस्पून हम बटर डालेंगे और मीडियम फ्लेम में हमें गैस रखनी है और अब हम इसमें चॉप गार्लिक ऐड कर लेते हैं और इसको हल्का सा भून लेंगे और जो हमने चिकन माइंस ग्रीन चिली और हरी हरा धनिया लिया था इसको भी ऐड कर लेते हैं और स्लो फ्लेम में इसको तीन से चार मिनट तक भुनेंगे दोस्तों तीन से चार मिनट लगभग हो चुके हैं और ये मसाला भुन चुका है अब हम इसमें मसाले डालेंगे वन फोर्थ टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक और गरम मसाला वन फोर्थ टीस्पून चाट मसाला वन फोर्थ टीस्पून और ब्लैक पेपर वन फोर्थ टीस्पून दोस्तों इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर एक मिनट और भून लेंगे मसाला बन के लगभग दोस्तों रेडी है अब हम इसमें एक चम्मच मोजरेला चीज़ ऐड कर लेते हैं और हरा धनिया और इलायची पाउडर थोड़ा सा चाट मसाला इसमें और डालेंगे और मसाला बन के लगभग स्टफिंग का रेडी है दोस्तों जब तक मसाला ठंडा होता है तब तक हम एक बाउल में बैटर तैयार कर लेंगे इसके लिए हमने दो टेबल स्पून आला रोर और दो टेबल स्पून मैदा ले लिया है और एक पिंच नमक डालेंगे और ब्लैक पेपर एक पिंच और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम एक बैटर बना लेंगे बैटर हमारा ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा पतला ना हो और लम्स भी इसमें बिल्कुल ना रहे एक बढ़िया सा बैटर बन के तैयार कर लेना है और जो मशरूम हमने तैयार किए थे इसको स्टफ़ कर लेते हैं ये देखिए इस तरह से दबा दबा के हमने सारे मशरूम्स स्टफ कर लिए हैं और इनको अब हम एक साथ चिपका लेंगे यानी कि दोनों मशरूम को हम आपस में जोड़ के एक दो टूथपिक में लगा लेते हैं ये देखिए इस तरह से हम सारे मशरूम्स को सेट कर लेंगे टूथपिक में और बैटर बन के लगभग दोस्तों रेडी है ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और अब हम जो मशरूम के तैयार किए हुए हैं टूथपिक में इनको डीप करते हुए ब्रेड क्राम में डालेंगे और कोट कर लेते हैं इस तरह से देखिए सारे मशरूम्स हमने कर लेने हैं ब्रेड क्राम के साथ कोट ये देखिए और दोस्तों ये सनक्स खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होने वाला है दोस्तों और वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों और दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करिएगा तो सारे मशरूम्स डुप्लेक्स यानी कि चिकन मशरूम डुप्लेक्स बन के दोस्तों ये रेडी हैं फ्राई करने के लिए तो एक कढ़ाई में हम मीडियम फ्लेम में ऑयल गर्म करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे गोल्डन कल कलर आने तक ये देखिए एकदम बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी हो चुके हैं दोस्तों और अब हम इनको वन बाय टू करके काट लेते हैं ये देखिए इस तरह से हम इनको काट लेंगे ये देखिए अंदर की स्टपिंग भी एकदम शानदार दिख रही है और खाने में बहुत मज़ा आने वाला है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू